हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेटा आपको बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, आपको इसका सम देना है। तो सम कैसे करेंगे बेटा, आपके पास लिखेंगे आप ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है। आपने ये लिखा, आपके पास आई के जो स्केलर कंपोनेंट हैं वो प्लस करेंगे माइनस टू और वन वन टू, तो ये ज़ीरो आई हो गया आपके पास, और प्लस सिक्स माइनस का टू है तो माइनस फोर आ जाएगा यहाँ पे, माइनस फोर जे, फिर प्लस माइनस सेवन है और सिक्स है तो माइनस के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आंसर आ गया आपके पास माइनस फोर जे माइनस के, तो ये आपका आ गया सम ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अभी आप। इसमें बोला गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। गिवन वेक्टर है आपके पास i प्लस जे, जे प्लस टू के, आपको ये वेक्टर गिवन दिया गया है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे a का, तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट, इसके स्केलर कंपोनेंट लेंगे आप इसका 1 है, प्लस 1 और प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो ए का यूनिट वेक्टर, ए के ऊपर एरो, ए वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये आ जाएगा आपके पास ये वेक्टर आई प्लस जे प्लस टू के अपॉन में 6, फिर आप इसको लिखेंगे 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे प्लस 2/√6, ये आ जाएगा √6, ठीक है, और ये के, ओके। ये आंसर आ गया आपका 7 का, तो ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ओके, क्लियर है, ये आ गया आपके पास। चलिए अब आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर दिस, पी और क्यू के आपके पॉइंट दिए गए हैं, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो आपके पास ये आपने एक पी और क्यू लाइन ले ली, पी और ये क्यू, ठीक है, ये डायरेक्शन है। पी के पॉइंट दिए गए 1, 2, 3 और क्यू के आपको दिए गए हैं पॉइंट 4, 5, 6, 4, 5 and 6, ठीक है। तो चलिए पी क्यू वेक्टर फाइंड करते हैं। पहले पी क्यू, आपके पास ये जो आपको कंपोनेंट दिए गए हैं, फर्स्ट इसका 1, इसका 4, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, इसके साथ I को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 माइनस 2 करेंगे J को मल्टीप्लाई, प्लस 6 माइनस 3 करेंगे K को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k, तो ये आपके पास पी क्यू आ गया आपके पास वेक्टर। आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर आप पी क्यू, तो आप निकालेंगे इसके लिए पी क्यू का मैग्नीट्यूड आप पी क्यू। तो बच्चे हमारे पास जो स्केलर कंपोनेंट है इसके 3, 3, 3, तो ये स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास 9 प्लस 9 प्लस 9, तो ये आ जाएगा √27, तो 3√3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर पी क्यू अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, तो ये आ जाएगा वेक्टर आपके पास 3i 3j 3k अपॉन में 3√3, तो इसको सॉल्व करेंगे आप 3/√3i, तो आ जाएगा 1/, क्या आ जाएगा 1/i, ठीक है, 1/i आ गया ये आपके पास, और प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नाइन में बेटा आपको बोला गया है फॉर द गिवन वेक्टर ए बी फाइंड द यूनिट वेक्टर ए प्लस बी, आपको ए और बी वेक्टर दिए गए हैं, गिवन है आपके पास ए वेक्टर, वो दिया गया है 2i - j - k, प्लस 2k है, प्लस 2k, फिर आपको बी वेक्टर दिया गया है माइनस आई माइनस
प्लस जे प्लस के, ये आपको सेकंड वेक्टर दिया गया है, आपको फर्स्ट और ये माइनस है, ठीक है यहाँ पे, ओके। चलिए आई के साथ भी माइनस है, तो आपको ए प्लस बी निकालना है पहले। तो आप स्केलर कंपोनेंट देख रहे हैं, टू में से वन गया, वन आई, और जे जे गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और टू में से गया प्लस के हो जाएगा, तो हमारे पास बचा जे और के, ठीक है। अब आपके पास इसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए आपके पास फॉर्मूला है, ए प्लस बी के ऊपर एरो आ जाएगा, और आप इसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, पहले ए प्लस बी का वेक्टर, ए प्लस बी का आप क्या करेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए बेटा रूट, इसके स्केलर कंपोनेंट ले लेंगे इसी वेक्टर के, तो वो क्या है, एक्स क्या है, वन है, एक्स वाई तो है नहीं यहाँ पे, जेड वन है, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट टू, ठीक है। अब आप ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपके पास ये आ जाएगा ऊपर एरो इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा आपके पास आई प्लस के अपॉन में रूट टू, तो ये हो गया आपके पास वन बाय रूट टू आई प्लस वन बाय रूट टू के, ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अभी आप, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपको बोला गया फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। आपको बेटा वेक्टर फाइंड करना है जो आपको वेक्टर दिया गया है इसी की डायरेक्शन में है वो वेक्टर, और विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। फिर जो आप फाइंड करेंगे वेक्टर, वो वेक्टर आपके पास क्या होगा 8 यूनिट होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 8 यूनिट। तो आपके पास गिवन दिया गया है वेक्टर, वो है आपके पास 5i माइनस जे आई, 5i माइनस जे प्लस 2k प्लस 2k, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे आप, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। क्यों करेंगे यूनिट वेक्टर फाइंड, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ये ही वेक्टर, जो वेक्टर हम फाइंड करेंगे वो आपका क्या होगा सेम होगा इसी की डायरेक्शन में, ठीक है। वो वेक्टर क्या होगा इसी की डायरेक्शन में होगा। तो फाइंड करेंगे आप इसका यूनिट वेक्टर, इसके लिए ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 1 प्लस 4 रूट 30। तो ए का यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 5j2k अपॉन में रूट 30, 5i 30, यहाँ पे आ जाएगा ये आई, और ये आ जाएगा 1 बाय रूट 30 जे प्लस 2 बाय रूट 30 के। अब बच्चे बोला गया हमें जो आपके पास वेक्टर आएगा वो क्या होगा 8 यूनिट, ठीक है। आपके पास वो क्या होगा 8 यूनिट होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो हमारे पास ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आपने फाइंड कर लिया, तो आप लिखेंगे, आपको दिया गया है यहाँ पे, आप लिखेंगे अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, देयरफॉर द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8, ठीक है 8 आपके पास। तो हमारे पास आ जाएगा, आपको दिया गया है वेक्टर ए आ जाएगा, तो ए इसी यूनिट वेक्टर का 8 यूनिट है, तो 8 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 रूट 30 माइनस 1 रूट 30 जे
प्लस टू रूट थर्टी के, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 40√30i माइनस 8√30j प्लस 16√30k, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।